हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने नर्सिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है कि नर्सिंग स्टाफ के लिए इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दो हमको फाइटिंग के चांस मिलने चाहिए थे, बट अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डेट आ चुकी है कि 20 जैन को एग्ज़ाम होने वाला है NCL का, नॉर्थन कॉलफील्ड लिमिटेड का एंड UP NRHM का। ठीक है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि हम कौन सी वैकेंसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, कि हम वहाँ जाएं या फिर वहाँ जाएं, NCL में जाएं या फिर UP NRHM में जाएं, एक में पोस्ट ज़्यादा है एक में कम है, तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो ये थोड़ा बहुत मैंने सोल्व करने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो आप मेरी बातों से डिसाइड कर पाओगे और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको आपके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट होने वाली है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। मैं आपको बताने वाला हूँ आज इसके अंदर। सबसे पहले हम NCL की बात करते हैं, नॉर्थन कॉलफील्ड्स लिमिटेड की बात करें तो इसके अंदर पोस्ट ओनली 48 है। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ इसको UP NRHM में तो बहुत ही कम वैकेंसी है, 3-5% वैकेंसी कंपेयर टू UP NRHM। तो देखिए, अगर चांस है तो UP NRHM में है, इसके अंदर चांस आपका 3-5% ओनली रिमेनिंग रह जाता है बच के। चलिए, इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप इसका एग्ज़ाम देते हो तो आपको क्या मिलता है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये रिलेटेड टू गवर्नमेंट वैकेंसी है, और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, और UP NRHM स्टेट लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, मैं कंपैरिजन करता हूँ, डिसाइड आपको करना है। और इसके अंदर जो गुड फैसिलिटीज़ वगैरह होती है वो लाइक एम्स होती है, एम्स के अंदर जितनी फैसिलिटीज़ क्वार्टर वगैरह वो सारी फैसिलिटीज़ इसके NCL के अंदर मिलेगी। और सैलरी तो आपको पता है कि 7th लेवल की सैलरी मिलेगी, 7th ग्रेड पे की सैलरी मिलेगी, 44,000 मिनिमम रहेगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, प्लस अकोमोडेशन मिलेगा फ्रेंड्स। जबकि आगे मैं एक मिनट बात करता हूँ, पहले मैं आपको बाद में बताऊँगा। UP NRHM में की बात करूँ तो मोर पोस्ट, यानी कि अगर सिंगल पोस्ट के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबका एग्ज़ाम एक साथ लगने वाला है तो यू कैन ओनली सिंगल पोस्ट अप्लाई। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट जो वैकेंसी थी वो थी 2nd नंबर की, जिसके अंदर पोस्ट थी 1128। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे बेनिफिट्स वाली बात यह है, फैसिलिटीज़ तो इसमें भी मिलने वाली है आपको, बट कंपेयर टू NCL, कंपेयर टू एम्स, इसके अंदर थोड़ी लो है। ठीक है, और इसके अंदर सैलरी भी यानी कि हाफ ही रह जाती है, यानी कि 20,000 ही सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है। वो सबसे इसकी गंदी बात जो लगी मुझे, ये कॉन्टेक्ट बेसिस पे है, आपको कभी निकाला जा सकता है। बट यार, जब NCL की मैं बात करता हूँ 48% है, जब हमारे चांसेज ही नहीं है देन हम इसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप ज़्यादा प्रायोरिटी 20,000 भी मिल रहे हैं, बट हमको जो मिल पा रही है चांसेस तो ज़्यादा है, बट देखो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो आपको डिसाइड करना है कि एक में हमको फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है बट चांसेस कम है, बट एक के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा है, अबाउट टू 50% जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है बट इसके अंदर फैसिलिटीज और सैलरी कम है। तो डिसाइड आपको करना है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। कन्फ्यूजन बहुत सारा था, फाइनली मुझे ये लगता है कि आपको UP NRHM का एग्ज़ाम फाइट करना चाहिए, क्योंकि जब चांसेज ही कम है तो फैसिलिटीज़ किस काम की। तो मेरा आइडियाज ये बोलता है कि आप UP NRHM का एग्ज़ाम दो, अगर सिलेक्टेड हो जाते हो। एक सबसे अच्छी बात है UP NRHM की, जो भी संविदा में कर्मचारी लगे हुए हैं उनको भी हटाया नहीं गया है, उनको हटाएंगे भी नहीं आई थिंक, जहां मुझे लग रहा है उनको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि वहां बहुत सारे प्रयास हुए जा रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है वहां के बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उनको हटाया नहीं जा रहा। तो जहां तक मुझे लगता है कि UP NRHM में मैक्सिमम चांस है, तो आपको बेस्ट होगा कि जो फैसिलिटीज़ है इसमें भी NRHM में फैसिलिटीज़ है और आपको कभी हटाया नहीं जाएगा, देन यू कैन रेफर दिस वैकेंसी। ठीक है, आप इस वैकेंसी को फाइट कर सकते हो UP NRHM वाली को। अगर आप लगता है कि यार NCL बेस्ट है सर, ये थोड़ी लो है,
तो देन यू कैन अप्लाई। ओके आप इसका भी फाइट कर सकते हो, बट मेरा अकॉर्डिंग ये है कि यूपी एनआरएचएम को फाइट किए आप, क्योंकि चांसेज मोर है। ओके अगर कुछ कमेंट में आपको लगता है कि यस यस सर ये वेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बता सकते हो। ओके और मेरे ब्रॉडकास्ट नंबर मैंने ऐड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो ऑन द व्हाट्सअप, ठीक है। चलिए ओके आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके खुश रहो, खुश रखो, बाय फ्रेंड्स।